मुहर तुंडी नमाज की भिड़की बसी नथान तू जदी मोदी जी टीका वर्ष भीतर तैयारी कर नथानते हमें मरते दूर रे बसतान तू सभा पे अनुमति मिल नथानता मोनी भाई माने वर्ष के भीतर टीका प्रस्तुत ला भारत रो 140 को मिलो टीका दिया गला दीदी प्रकार दो तीन तीन प्रकार दो पांच पांच प्रकार दो तेरा के बड़ा भारत को देले पृथ्वी रे 150 अधिक देश को हाइड्रेट सिकुलर को जुगे अमेरिका को जुगे 150 अधिक देश को कोविड टीका दिया दले भंडो एठी कहले अरे निज देश रे दिया बाहर काई मोदी जी विश्व बंधुतार अर्थ व्याख्या कले निज स्वार्थ पई जातो नु हे हिंदू विश्व हित हिंदू प्रति रक्त बिंदु देखिले यूक्रेन रे 22,500 पिला मेडिकल पाठ भयंकर युद्ध रो घनटा भितरे दुई विरोधी राष्ट्र को निवेदन कर युद्ध बंद कर देले आकाश मार्ग रे नहीं आसीले आम पिला मन को सुरक्षित बाबरे माननीय भाई माने प्रधानमंत्री का निवेदन है रूस यूक्रेन भी युद्ध बंद कर दी थी तो खाली सदगी ने पड़ीसा राष्ट्र माने भिसा पासपोर्ट नियम को फेंक देले तक विमान घाटे को ले नहीं आसे चीन का संभव है का आपण मैंने सीधासख प्रतिक्रिया शुणुते प्रताप चंद्र षडंगी जहाँ संबोधित करते कार्यक्रम को जेहेतु आज बालेश्वर मो माटी मो देश कार्यक्रम रही कार्यक्रम आज सामिल होती केन्द्र जंगल परिवेश खाद्य जोगाण और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे वर्तमान प्रताप षडंगी बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी कार्यक्रम को संबोधित कर प्रधानमंत्री मोदी जनहित कार्य को आज निज संबोधन में बखाणी एवं देश सेवाई जो उत्सर्गीकृत मोदी सरकार से बाबद प्रताप षडंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश आमो देश आमो माटी हमारा देश हमारी माटी मेरी मेरी माटी मेरा देश ये पूरे देश के मिट्टी को ला करके और हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आज इस पुण्य भूमि पर आया हूँ शहीद और स्वतंत्रता आंदोलन के जनक इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आज एक ऐसे रण बांकुड़े के गांव में आया हूँ वहाँ से माटी लेकर के कर्तव्य पथ में अमृत वाटिका के लिए जहाँ देश भर के 7,500 गाँव के माटी को ला करके और वहाँ अमृत वाटिका अमृत काल में अमृत वाटिका प्रधानमंत्री जी 31 अक्टूबर को उसका अमृत वाटिका का शुभारंभ करेंगे उद्घाटन करेंगे। ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं जो जैसे कि सारे जनता जो भी है अपने अपनी खुशी से गांव का मिट्टी इसके दे रहे इसको कैसे देख गांव गांव के लोग दे रहे हैं कि हमारा देश हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं हमारा देश भारत ये आगे बढ़ रहा है विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है पूरा हो रहा है और हमारा गांव स्वाभिमान से उस कर्तव्य पथ पर जहां प्रधानमंत्री जी अमृत वाटिका की स्थापना करेंगे वहां हर गांव की माटी दिखाई पड़ेगा हमारा स्वाभिमान जगेगा देश की एकता और अखंडता बरकरार होगी और भारत के अंदर राष्ट्रभक्ति बढ़ेगी। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।